हेलो एवरीवन, वेदम कॉम्परेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मयंक दुबे आपको आज घनमूल के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो वर्गमूल पे था। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप उसको पहले देख लें एक बार, ओके। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं घनमूल। हमारा आज का टॉपिक है घनमूल को कैसे हम 2 सेकंड्स के अंदर कैसे निकालें। घनमूल का मतलब क्यूब रूट। ये जो हमारा टॉपिक है ये काफी टफ हो जाता है एग्जामिनेशन में, हम नहीं निकाल पाते, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। और मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कहता हूं, अगर आपको वर्गमूल निकालना आसान हो गया है, जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखा होगा, अगर आपको उसमें वर्गमूल बहुत आसानी से निकालना समझ में आ चुका है तो घनमूल आप उससे भी आसानी से निकाल सकेंगे, ओके। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्यूब रूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घन मूल। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले, जैसे कि आपने स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट याद करे थे, वैसे ही आपको इसमें भी क्यूब्स में भी क्या करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का, 1 to 9 डिजिट का क्यूब का यूनिट डिजिट याद करना पड़ेगा। मतलब 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है। ये आपको पूरे तरीके से 9 तक याद करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है, जैसे कि स्क्वायर में आपका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा था, जैसे कि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट था 1, तो 9 का भी 1 था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबका अपना इंडिविजुअल है। अगर 1 की 1 है तो 1 रिपीट हुई नहीं है, अगर 2 की 8 है तो 8 रिपीट हुई नहीं है। तो इसमें आपका और ईजी हो जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी कंडीशन बनती ही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन लेके। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन उठाया 1331। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1331। चलिए देखते हैं 1331 में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्क्वायर रूट में हम कितने डिजिट का पेयर बनाते थे, लास्ट की 2 डिजिट का जो कंफर्म था वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही ये क्या है, घन। घन मतलब 3 का हम करते हैं, 3 चीज है ना, 3 अंदर। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा जो पेयर बनाएंगे ना बी सेक्शन, वो हमेशा कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। मतलब ये बी और ये ए, अगर आप देखो ये सेक्शन क्या होगा, बी, और घन में हमेशा कितने का पेयर बनेगा, 3 का, और बाकी का बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा पोर्शन ए, हमारा पोर्शन ए। तो चलिए अब इसमें हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, कि जो 331 है इसमें हमारे काम का क्या है। जैसे कि आपने देखा था स्क्वायर में भी 2 का पेयर बनाते थे, 2 डिजिट क्लास की, लेकिन उसमें काम की क्या होती थी, आपका इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इसमें भी आपका पेयर तो 331 का बन रहा है, बट आपका काम का क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट, जो कि क्या है, 1। 1 किस में आता है, 1 में। मतलब आपका कंफर्म हो गया, आपका जो उत्तर का घनमूल का इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 1। 1 किस में आता है, 1 के यूनिट डिजिट में, 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट होता है 1। तो किस क्या आएगा आपका, 1, और 1 आपका क्या होगा, यहां पर आपके आंसर का यूनिट डिजिट, मतलब घनमूल का यूनिट डिजिट। अब आपको क्या बचा हुआ है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या चेक करना है, ए के बराबर या लेस, उससे क्या, कंप्लीट घन। कंप्लीट घन किस नंबर का है, तो इससे लेस आपका ए अभी क्या है, यहां पर इससे लेस या इसके बराबर क्या आता है, 1 का क्यूब। मतलब आपको या तो देखना है जो ए है इसके बराबर होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए। तो अभी 1 है, 1 से लेस तो हम ज्यादा जा नहीं सकते, 1 अपने आप में 1 का क्यूब होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के। तो आपका पहला डिजिट क्या हो गया, 1। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं, 331 1 आपका यूनिट डिजिट था, 1 किस में आता है, 1 के यूनिट डिजिट में, 1 के क्यूब की यूनिट डिजिट। मतलब आपकी यूनिट डिजिट क्या हो गया, आपके आंसर 1 कंफर्म हो गए। अब बचा हुआ सेक्शन क्या है, सेक्शन ए। ए को हम जब चेक करते हैं, ए का क्या कंफर्मेशन होता है, जो आपके आगे की डिजिट होगी वो क्या होगी। तो ए, सेक्शन ए से लेस या उसके बराबर कंप्लीट क्यूब किसका है, कंप्लीट क्यूब किसका है, कंप्लीट घन किसका है, हम देखें पूरे तरीके से पूर्णतः घन किसका है। तो हम देखते हैं 1 के बराबर क्या होता है, 1। 1 अपने आप में घन होता है, बराबर हो गया तो हमें नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं उससे। तो आपका क्या हो गया, 11। आपका क्या कंफर्म हो गया, 11। तो ये सेक्शन ए से आया, ये सेक्शन बी से आया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 2744, हमने क्या ले लिया यहां पर, 2744। अगर आपका 2744 मैं ले रहा हूं तो आप इसमें चेकआउट कैसे करेंगे, पहले तो आप पेयर बनाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा 3 डिजिट का बी सेक्शन और ये ए सेक्शन। बी सेक्शन में आपका, आपको पता है 3 डिजिट में से सिर्फ काम का क्या है, यूनिट डिजिट, जो कि क्या था, 4। और 4 किस में आता है,
चार के क्यूब की यूनिट डिजिट में, और चार किस में आता है, चार के क्यूब की यूनिट डिजिट में, मतलब आपका क्या हो गया आंसर का जो यूनिट डिजिट इकाई अंक कंफर्म हो गया वो क्या होगा, चार होगा, वो क्या होगा, चार। अब आपको क्या देखना है, बचा हुआ सेक्शन। अब ए से लेस, क्या जो आपका ए है क्या वो कंप्लीट क्यूब है, नहीं, दो कंप्लीट क्यूब होता ही नहीं, तो हमें उससे लेस जाना पड़ेगा, और उससे लेस क्या होता है, एक, एक का क्यूब एक, वो ए से क्या है लेस, और अगर इसकी जगह पे कोई कंप्लीट होता तो वो क्या होता, बराबर होता, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा अभी, लेस, क्योंकि ए जो हमारा आया है क्या वो कंप्लीट क्यूब है, नहीं, दो कंप्लीट क्यूब नहीं होता, तो उससे लेस हमें पूर्ण क्यूब देखना पड़ेगा, पूर्ण घन देखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, एक, एक आया तो एक हमारा क्या हो गया, पहला अंक, तो ये क्या कंफर्म हो गया, हमारा आंसर क्या होगा, 14। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैं आपके सामने लिख लेता हूं, 15625, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम क्या करते हैं, लास्ट की तीन डिजिट का क्या बना लेते हैं, पेयर सेक्शन बी, और ये आपका क्या हो गया, पोर्शन सेक्शन ए, क्या हो गया आपका, सेक्शन ए। अब ये 625 है, 625 में आपका पेयर तो आप तीन डिजिट के ही बनाते हो, लेकिन आपका काम का क्या होता है, पांच, और पांच किसके में आता है, पांच के यूनिट डिजिट में, मतलब आपका जो क्यूब रूट का जो आखिरी अंक है यूनिट डिजिट वो कंफर्म हो गया, वो क्या होगा, पांच। अब बचा हुआ अंक क्या था, ए। अब ए जो 15 है, 15 अपने आप में कंप्लीट क्यूब है क्या, नहीं है, अगर कंप्लीट क्यूब होता तो जिसका है वो नंबर आ जाता, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट क्यूब नहीं है, तो मतलब इससे लेस हमें क्या देखना पड़ेगा, कंप्लीट क्यूब मतलब पूर्ण घन, और पूर्ण घन किसका होता है, दो का। ये गलती कभी मत करना, 9 को ले लेना, 9 स्क्वायर होता है 3 का क्यूब नहीं होता, तो आपका क्या होगा, 2 का क्यूब 8, और हम 9 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, हमें क्या देखना है, 3 का वर्ग, घन, घन देखोगे तो कितना होता है वो, 27, वो तो बड़ी हो गई, हमें क्या देखना, लेस वैल्यू, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2, तो हमारा कन्फर्म क्या हो गया, 25, मतलब हमारा घन क्या हो गया, घनमूल जो निकलेगा वो कितना होगा, 25, घनमूल जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, 25। चलिए आइए देखते हैं हम इसे और फास्ट कैसे करेंगे एग्जाम में, अगर हमें निकालना है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था 2 सेकंड के अंदर आप कैसे निकाल सकते हो इसको। चलिए हमने कोई डिजिट ले ली, 5832 मैंने लेके रखी हुई है, हाँ लेके रखी हुई है, 5832 में आप पहले नंबर पेयर बना दो, 2 है आपका, 2 किस में आता है, 8 के में, सॉरी जो 2 आपका आता है वो किसके में आता है, 8 के में, तो आपका क्या हो जाएगा कंफर्म, 8। अब 5 से कम, 5 अपने आप में कंप्लीट क्यूब तो है नहीं, तो हम उसे लिख नहीं सकते। अब 5 से लेस कंप्लीट क्यूब किसका होता है, 1 का, 18 कंफर्म। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, 10648, 3 का पेयर बना है, 8 किसके में आता है, 2 के में, 2 कंफर्म हो गया, 10 से नीचे किसका है, 2, 22 हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।